हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मजे में होंगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित गायकवाड़ एरॉन्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एरॉन्स की तरफ से 18 इंची स्पीकर जिसका मॉडल नंबर है 18 NEO 1200। लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं और लाइव डेमो भी देने वाले हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप ये मिस करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए हम 18 NEO 1200 इस स्पीकर के बारे में कुछ जानते हैं। ये 18 इंच नियोडियम मैग्नेट स्पीकर है। इस स्पीकर को आप सिंगल बेस कैबिनेट में भी यूज़ कर सकते हैं, ड्यूअल बेस कैबिनेट में भी यूज़ कर सकते हैं। इस स्पीकर का AES पावर 1200 वाट है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 30 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक है। इसका वॉइस कॉइल 4 इंची है और इसका वजन 8.9 किलो है। और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। तो आइए इस स्पीकर को हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अभी हम 18 NEO 1200 इस स्पीकर को अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी ये बॉक्स में ओपन कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी यहाँ पे पहले बॉक्स ओपन किया है। ये आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले आपको पैकिंग के लिए और सेफ्टी के हिसाब से थर्मोकॉल दे थर्मोकॉल शीट जो है वो सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद और एक कार्टन है, इस कार्टन में स्पीकर है। तो ये कार्टन भी मैं अभी ओपन करता हूँ। सेफ्टी के लिए आपके डबल कार्टन दिया हुआ है। यह भी कार्टन मैंने ओपन किया। ये मैं आपको स्पीकर दिखा रही हूँ। देख, ये आप देख सकते हैं, ये स्पीकर है। ये स्पीकर को प्लास्टिक के पन्नी में जो है ये पैक किया गया है। प्लास्टिक के पन्नी में पैक किया है सेफ्टी के लिए। जैसे आपका प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट में रहेगा या बारिश होगी तो उसके हिसाब से वो ना भीगे, इसके लिए वो सेफ्टी के हिसाब से प्लास्टिक के पन्नी में दिया गया है। तो सबसे पहले हम 18 NEO 1200 इस स्पीकर का बैक साइड आपको शो कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये स्पीकर का पूरा बैक साइड है। बैक साइड में सबसे पहले आपको जो दिख रहा है ये ऊपर में सबसे पहले जो है ये मैग्नेट है, ये नियोडियम मैग्नेट है। इस नियोडियम मैग्नेट पे जो स्टिकर लगा हुआ है, इस स्टिकर के ऊपर जो लिखा हुआ है आप एक बार ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पूरी स्पीकर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 18 NEO 1200, ये स्पीकर का ये मॉडल नंबर है। उसके नीचे आप देख लेंगे तो यहाँ पे लिखा है पावर, मतलब कि स्पीकर की जो पावर रेटिंग है वो क्या है ये यहाँ पे बताए, जो 1200 वॉट है। सेकंड इसके लिखा है वॉइस कॉइल, वॉइस कॉइल कितनी इंच की है वो भी लिखी हुई है, 4 इंच की है। फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कितना है वो भी लिखा हुआ है, 30 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक। और उसके नीचे ही आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जो लिखा है वो स्पीकर का 8 ओम्स है, 8 ओम्स इसका इम्पीडेंस है। और ये जो मैग्नेट है नियोडियम मैग्नेट, इसका ग्रेड जो है N42 ग्रेड है। अभी उसके नीचे ही हम आते हैं, आप देख सकते हैं ये पूरे बास्केट है। ये बास्केट आप देख सकते हैं बहुत ही मजबूत है और अच्छी क्वालिटी का है। उससे ही और नीचे की तरफ आएंगे आप तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये दो टर्मिनल्स दिख रहे हैं, ये जो है ब्लैक कलर में है और ये जो है रेड कलर में। ये कलर कोडिंग के साथ दिया हुआ है क्योंकि आपको जब स्पीकर की वायर कनेक्शन करती रहेंगी तो आपको आसानी हो जाए इसकी वजह से। और ये पुश बटन की तरह काम करती है, अगर आप एक बार इसे हल्के से प्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा, वो डाउन करके आप यहाँ पर वायर जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और उससे ही आप आगे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कलर है, ये मेन लीड वायर है जो ब्लैक कलर में है। एक्चुअली ये मेन लीड वायर है, बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट की गई है और स्पीकर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अभी हम जो आपको ये दिखा रहे हैं ये 18 NEO 1200 स्पीकर का फ्रंट साइड है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से और राउंड शेप में डिज़ाइन किया गया है। इसके आगे अगर आप आएंगे तो आप ये देख सकते हैं ये कोन पेपर है, ये कोन पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है आप देख सकते हैं। और जो मूविंग है, मतलब जो सस्पेंस है वो भी बहुत स्मूथली तरीके से हो रहा है। ये देखो मैं आपको मूव करके दिखा रहा हूँ, सस्पेंस बहुत स्मूथली और अच्छी तरीके से हो रहा है। कोन पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है आप देख सकते हैं। या अभी हम जो आपको शो कर रहे हैं ये येलो कलर में, ये स्पीकर और मैग्नेट के बीच का हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं इसमें जो ये स्पाइडर लगा हुआ है येलो कलर में, और ये डबल स्पाइडर यूज़ हुआ है इस स्पीकर में। और ये स्पाइडर जो है सैंडविच प्रोसेस से एक के ऊपर एक चिपका के यूज़ किया गया है और इसमें जो लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं ये मैग्नेट के ऊपर जो है छोटे छोटे होल्स है, इस होल्स से एयर पास होता है। जैसे कि आपकी वॉइस कॉइल जो हीट होती है उसे कूलिंग रखने के लिए यहाँ से एयर पास के लिए जो है मदद हो जाती है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी एयर पास होता है।
girl, but the magic's gone. Been months of puffing up bushes and faking up butterflies. Wake up, yeah, I'm kicking the castle down. Ooh, yeah, I think it's time. ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।